हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार में। दोस्तों ये मतलब रियलमी का फ़ोन है, आपका रियलमी का कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, यदि आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया है, एकाएक टच काम करना बंद कर दिया है, आपका टच हैंग हो गया है, तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो को बताऊँगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। ये देखिए टच मतलब नहीं काम कर रहा है और मतलब टच सही है, वाटर डैमेज भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी मतलब हमारा टच नहीं काम कर रहा है, मतलब अचानक चलते चलते हमारा टच काम करना बंद कर दिया है। ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके मोबाइल में है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको देखिए यहाँ से आप ये देखिए स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा ना, तो रिबूट हो रहा है दोस्तों, कुछ भी मतलब नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको जो है वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है थोड़ा टाइम तक दोस्तों। तो चलिए हम जो है पावर बटन को थोड़ा टाइम तक प्रेस करके आपको फिर से दिखाते हैं। यहाँ पर जो आ गया ये रिबूट का ऑप्शन और पावर ऑफ का ऑप्शन, ये मतलब नहीं काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पे जो है मान लीजिए आपका मतलब अचानक टच काम करना बंद कर दिया है, टच आपका हैंग हो गया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो है वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है दोस्तों। तो चलिए वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन, दोनों बटन को हम एक साथ प्रेस करेंगे लगभग 10 सेकंड तक दोस्तों। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, लगभग इसको 10 सेकंड तक प्रेस करना है दोस्तों। उसके बाद जो है हमारा मोबाइल रिबूट होगा, रिस्टार्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मतलब ये हमारा लगभग रिबूट के ऑप्शन पे चला गया है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये देखिए रिबूट हुआ, रिस्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे वेट कर लेना दोस्तों। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें दोस्तों। रियलमी का आपका कोई भी फ़ोन हो, कोई ज़रूरी नहीं हो कि यही फ़ोन हो, किसी भी मतलब मॉडल का फ़ोन हो दोस्तों, यदि आपका टच अचानक काम करना बंद कर दिया है तो आपको मतलब ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अचानक यदि आपका टच काम करना बंद कर दिया है तो वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन, दोनों बटन को एक साथ प्रेस करोगे तो आपका मोबाइल जो रिबूट होगा, रिबूट होने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों ये रिबूट हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो है टच वगैरह करने लगा है। चलिए इसका आपको लॉक खोल के दिखा देने हैं, मतलब ये हमारा टच काम करने लगा, पहले मतलब टच हमारा नहीं काम करता था दोस्तों। तो ये देखिए अब हमारा कंप्लीट हो गया है, कहीं भी हम टच कर रहे हैं तो हमारा मतलब टच काम कर रहा है मतलब दोस्तों, और पहले मतलब ये टच नहीं काम करता था दोस्तों। तो यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।